नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं। मोडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलर डिमोडुलेटर। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन। WWW के आविष्कारक हैं? टिमरन ब्रसनली। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? TCP या IP। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है? संप्रेक्षण। वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाते हैं? रिप्रेस। ईमेल लिखना किसके समान है? पत्र लिखने के समान। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? वीडियो एडिटिंग। कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? रेडिपमेल, याहू, हॉटमेल, जीमेल आदि। सॉफ्टवेयर में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं? टूलबार। एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? पॉल एलन और बिल गेट्स। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? IBM द्वारा। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI। विंडोज 98 का विकास कब हुआ? 1998 में। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेट्स। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है इंटरनेट उपभोक्ता भारत में सबसे अधिक। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? अमेरिका के हैं। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कुंजी पटल। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किस नाम से जाने जाते हैं? स्क्रीन रेसोल्यूशन। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में हैं? टर्की में। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर। कौन दिखाता है? कर्सर, जो एक छोटा सा डंडा होता है वह घूमता रहता है, वह कर्सर है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह कौन करता है? सेल रेंज। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट। एक्सेल में एडिटिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? फार्मूला बार। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? स्पेल चेक। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOC। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं? लेफ्ट। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? चार्ट विजर्ड। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है?
पोर्टेट। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एन। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि। भारत में सुपर कंप्यूटर प्रम का निर्माण कहाँ किया गया? पुणे में। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? गणना एवं तर्क पर। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? एड्रेस। निर्वाध ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रोग्राम करते थे? वैक्यूम ट्यूब। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। गूगल क्या है? सर्च इंजन। आईबीएम क्या है? कंपनी है एक आईबीएम। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? मेमोरी के। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है माउस। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है याचित अभिगम स्मृति में। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है 64 बिट तक। बाइनरी कोड में संख्या 7 कैसे लिखी जाती है? 111। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? प्रिंटर का। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वो मुख्यतः किसे नष्ट करते हैं? प्रोग्रामों को। कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वर्साइटल डिस्क। कंप्यूटर में विंडो किसका एक प्रकार है? सॉफ्टवेयर का। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है? फुकू जापान का। कौन सा यंत्र कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? मॉडेम। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है अनुपम। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया संस्था ने किया, यानी किस संस्था ने किया? सीडेक ने। कंप्यूटर डाटा सबसे छोटी इकाई है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट है। माइकल एंजेला वायरस क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। कौन सी भाषा सारे कंप्यूटर में लागू होती है? मशीनरी भाषा। एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। कौन सा भाभा कंप्यूटर अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? अनुपम। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला कंप्यूटर है? क्वांटम कंप्यूटर। एक लोकप्रिय विंडोज इन्वायरमेंट विंडो 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है 2004 में। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? 2050 तक। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप। किसी बाहरी स्रोत में आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? इनपुट। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल। रिलेट फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? रिलेटेड। डेटाबेस। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? एडिटिंग।
समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए किस प्रयुक्त किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए, यानी समग्र डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस ए। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? इंसर्ट मेन्यू चार्ट। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? कंट्रोल प्लस एस। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? कट एवं पेस्ट। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? वर्कबुक। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोस एंड कॉलम्स। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOC। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइक होता है? लेफ्ट। DVD क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से किस संग्रहण में रहता है? सेकेंडरी। डिस्क को ट्रेको और सेक्ट्रो में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग। ROM है स्टोरेज डिवाइस। DVD का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म कौन करता है? ALU। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? BUS। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। PC का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कौन संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? मदरबोर्ड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? बिट में। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जॉन जी केमी। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1964 में। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लोचार्ट क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लोचार्ट कहलाता है। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोरट्रान। कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबोल। कौन सी कंप्यूटर भाषा अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? कोबोल। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी भाषा सारे कंप्यूटर में लागू होती है? मशीन भाषा। कौन सी भाषा है जो सारे कंप्यूटर में लागू होती है? मशीन भाषा है।
यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? वेब सर्वर्स। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज को। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हार्ड लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलता है, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? बाइनरी। बिट किसका लघु रूप है? बाइनरी डिजिट का। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? वाईबी। बिटबेट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट। तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? वाईबी। और सबसे छोटा बिट है, इससे बिट से बड़ा बाइट है, इससे बड़ा किलोबाइट है। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? 8 बिट होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? 1024 बाइट। और एक बाइट 8 बिट का होता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा में। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का प्रयोग उपयोग करना आसान हो जाता है? यूटिलिटी। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बग। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? सूचना। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। डिबगिंग। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर। DOS का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1969 में। यूनिक्स की मुख्य भाषा है? असेंबली। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। यूनिक्स के डेवलपर कौन है? कैन। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरफेस। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? स्रोत प्रोग्राम। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एवं साथ कई कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर।
टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसमें किया जाता है? अकाउंटिंग में। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसमें किया जाता है? अकाउंटिंग में। CDA का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? जो आप रिज्यूम बनाते हैं आपका, उसमें किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? पेज मेकर और MS वर्ड का। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कोड। कौन एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? इंटर प्रिंटर। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग। MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या नाम है पोस्ट का? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? टर्मिनल। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है? बस। उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्वितीय कड़ियां हैं? मेस। नियमों का एक सेट है प्रोटोकॉल। लैन किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। वेब पेज का एक वर्ड जिसमें क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? सब्जेक्ट में। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, भारतीय जनता पार्टी जिसे आप BJP के नाम से जानते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? सिक्किम। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? गेटवे। HTTP का उपयोग किस में होता है? HTTP का वेब पेज में। WWW प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है? HTTP। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज। दोस्तों इनमें से कई एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है? ब्राउजर। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? संगठन। .com डोमेन का संबंध किस क्षेत्र से है? व्यापारिक संस्था। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कंप्यूटर के क्वेश्चन ही देख रहे हो तो इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी यह आपको जानकारी होनी चाहिए पहले से भी, 1995 में। वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? URL। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में। अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड का विकास शुरू किया था? एंड्रॉइड INC। जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड INC का
लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण किया था। गूगल। एंड्रॉइड क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड के वर्जन एंड्रॉइड 8.0 का नाम क्या है? ओरियो। फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है, वीडियो से है। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? मशीनी भाषा पर। किस भाषा पर काम करता है? मशीनी भाषा पर। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा को उपयोग की बनाना। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। IMSC एक प्रकार का क्या है? मशीन। वेबसाइट नाम से HTTP क्या है? प्रोटोकॉल। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। CD में आप क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर। भारत द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था एबेकस। चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक का डाटा में किस का प्रयोग किया जाता है? चिन्हों का, अंकों का, अक्षरों का। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। विंडोज शटडाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अल्ट प्लस F4। बैंकिंग लेनदेन में ECS का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? JS Kilby। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? फाइल। इंटरनेट किस से संबंधित है? LAN से। कौन डेटाबेस से संबंधित है? MS Access। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। विंडोज एक्सप्लोरर के एक पैन से दूसरे पैन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? F6। गूगल के मेल सर्विस का नाम क्या है? Gmail। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+O। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+O। विंडोज प्लस L की का प्रयोग किसके लिए होता है? डेस्कटॉप लॉक करने के लिए। रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Alt+Del। स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट क्या है? विंडोज लोगो। जो आपके कीबोर्ड पर विंडो का लोगो है उसको क्लिक करोगे तो स्टार्ट मेन्यू आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर। फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? एक्सप्लोरर। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए किस प्रयोग होता है? Ctrl+Tab का। विंडोज 7 क्या है? प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? Edge। विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2015 में।
कोर्टेना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया है, वह किस वीडियो गेम श्रृंखला में है? हेलो, विंडो 10 का संबंध विंडोज के किस परिवार से है? विंडोज एनटी। उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कौन करता है? कंपाइलर। हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? आरपीएम में। हार्ड डिस्क में क्या स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। लैपटॉप के आविष्कारक कौन है? विलियम मोगरीज। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। अरनेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क। कितने किलोबाइट में एक मेगाबाइट बनता है? 1024 में। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। बाइनरी नंबर प्रणाली में कौन सी संख्या का प्रयोग होता है? 0 से 1 तक, 0 या 1। 1024 बाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट। बैकअप क्या है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन ठीक वैसी प्रतिलिपि। डीओएस और विंडोज क्या है? एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर वायरस कैसा प्रोग्राम होता है? एक डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूट अप। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960 ईस्वी में। फोरट्रॉन, कोबाल, बेसिक, अलगोल, पास्कल आदि कैसी भाषाएं हैं? उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। कोबोल क्या है? अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा। स्टैंडर्ड की बोर्ड में सामान्यतः कितने बटन तथा फंक्शन की होती हैं? 101 बटन तथा 12 फंक्शन की होती हैं। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें सामान्यतः 101 बटन और 12 फंक्शन की होती हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एवं हाइब्रिड। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी है? फोरट्रॉन। असेंबलर का क्या कार्य होता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोरट्रॉन। 1024 MB कितने GB के बराबर होती है? 1 GB के बराबर होती है। आप सभी जानते होंगे नॉर्मल क्वेश्चन है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समय को कहते हैं डाटाबेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? फोन लाइन के साथ। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त की जाने की प्रक्रिया को कहते हैं डाउनलोडिंग। मॉडेम किस चीज पर काम करता है? टेलीफोन लाइन पर। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट। 1024 किलोबाइट कितनी MB के बराबर होता है? 1 MB। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहां पर हुआ? अमेरिका की रक्षा अनुसंधान में। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? पावर पॉइंट। जो आप इस स्लाइड देख रहे हैं यह पावर पॉइंट में ही बनाई हुई है। कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? स्क्रीन के बॉटम पर। EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। उच्च स्तरीय भाषा का विकास किसने किया? IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है। ऑटो करेक्टर।
वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया? बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? ईमेल। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप कंप्यूटर कंप्यूटर जानते हैं लेकिन इनके एक एक अक्षर का नाम है। कंप्यूटर सी यानी कॉमनली, ओ यानी ऑपरेटिंग, एम यानी मशीन, पी यानी पर्टिकुलरली, यू यानी यूजर फॉर, टी यानी टेक्नोलॉजी और ई यानी एजुकेशन एंड रिसर्च। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति पर का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम। 45। फॉन्ट 8 बिट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर। 8 बिट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 बिट के बराबर होता है, बाइट के बराबर। उच्च स्तरीय भाषा में मशीनी भाषा के में रूपांतरण किसके माध्यम से होता है? सोर्स प्रोग्राम द्वारा। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलोर को। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, इसका हिंदी नाम क्या है? संगणक। इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं? चार्ल्स वेबेज को कहते हैं मॉडर्न कंप्यूटर फादर। कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाता है? हार्डवेयर। प्रिंटर, स्पीकर तथा मॉनिटर किसके उदाहरण हैं? आउटपुट डिवाइस के। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें क्या जोड़े जाते हैं? इनपुट व आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? वीडीयू, विजुअली डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को तथा संपर्क तोड़ने को क्या कहते हैं? संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन तथा संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉगआउट कहते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है? 3.25 तथा 5.25। यूआरएल क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं? सेल। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? सीपीयू को। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन किसके उदाहरण हैं? इनपुट डिवाइस के। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। कंप्यूटर के डंप होने का कारण क्या होता है? वायरस। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु कहां पर सुरक्षित रखता है? मेमोरी में। कंप्यूटर में प्रोग्रामों की सूची को क्या कहते हैं? मेन्यू।